नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान टोकरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो आरपीएससी एएनस मेंस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है, लेकिन पढ़ाई के अलावा हम इस वीडियो में पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड हम तीन बातें मैं आपको इस वीडियो में आपको याद दिला दूँ। सबसे पहली बात जो है, यदि आपने आरपीएससी एएनस मेंस एग्ज़ाम देने के लिए अजमेर आना है और आपने अभी तक रिजर्वेशन नहीं करवाया है, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन अपना करवा लीजिए। एसी में करवाएं या जनरल में, स्लीपर में, जहां भी आपको रिजर्वेशन करवाना है, बस में या ट्रेन में, लेकिन आप करवा लीजिएगा। क्योंकि एक साथ लगभग 12-13 हज़ार कैंडिडेट जब एग्ज़ाम देने पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको सीट मिलना मुश्किल हो जाए और कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़े। यदि आप अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाओगे तो आप अच्छे से लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि अगले दिन ही आपको पेपर देना होता है। कोशिश करें कि आप थोड़ा पहले पहुंचें। कई बार सर्दियों में ट्रेन वगैरह लेट हो जाती है, तो उस हिसाब से सफिशियंट मार्जिन आप लेकर चलें। ऐसा ना हो कि आप टेंशन के सफ़र करें और अच्छे से सो भी नहीं पाएँ और अगले दिन पेपर भी अच्छे से नहीं लिख पाएँ। तो पहली बात तो थी रिजर्वेशन की। दूसरी बात है, आपको रुकने की व्यवस्था का अभी से सोच लेना चाहिए। यदि आप होटल में रुकना चाह रहे हैं, तो यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर लीजिए। और बुकिंग करने के बाद ओयो से करें या और कोई भी जितनी भी वेबसाइट है वहाँ से करें, एक बार होटल में कॉल करके ज़रूर अपनी बुकिंग कंफर्म कर लेना। कई बार क्या होता है कि जो ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद होटल मालिक अपना रूम देने से मना कर देते हैं, तो ऐसी आपको सामने मुसीबत ना आए, इसलिए आप एक बार कॉल करके ज़रूर कंफर्म कर लेना। तीसरी बात जो है वो है कि दिसंबर में ठंड बहुत अच्छी पड़ने लगती है, बहुत तेज़ ठंड पड़ने लगती है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए अपना पूरा बंदोबस्त साथ में लाना। या तो आप अच्छी क्वालिटी का कोई स्लीपिंग बैग या अच्छे कंबल या कुछ भी जैकेट वगैरह अपना देख लें कि आपको ठंड का सामना ना करना पड़े और तबीयत आपकी ख़राब ना हो जाए, उस चीज़ का पूरा ध्यान रख के आएँ। या तो आप एसी में रिजर्वेशन करवाएं, यदि आपको एसी में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है तो एक अच्छी क्वालिटी का आप स्लीपिंग बैग या कंबल ज़रूर साथ लाएँ। ऐसे कुछ ऑप्शन स्लीपिंग बैग के मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हालाँकि जो लोग बहुत दूर से आने वाले हैं, जैसे आउट ऑफ स्टेट के हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली बातें हैं। और जो अजमेर के आसपास के रहने वाले हैं वो तो बहुत जल्दी ज़्यादा उनका रन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें ऐसी हैं कि देख लेनी चाहिए। आपकी सुविधा के हिसाब से मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है। यदि आपको चीज़ें पहले से पता थी तो माफ़ कीजिए कि मैंने आपका टाइम ख़राब किया इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन यदि आपको पहले इन चीज़ों के बारे में याद तो था, लेकिन अभी हम सब लोग किताबों में लगे हुए हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं गया होगा, तो अचानक से आप जब तैयार हो तो आपको समस्या ना आए, इसलिए ये वीडियो बनाया था। यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था। अब बस इतना ही इस वीडियो में। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, इसी उम्मीद के साथ बस इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपके लिए एडवांस में गुड लक विश कर रहा हूँ। बाय।